नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन एपिसोड में। मुहर्रम के तो बहुत ही शानदार तरीके से लिम्बी चिंचोली गांव में मुहर्रम का उत्सव जो है मनाया जा रहा है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है लिम्बी चिंचोली गांव के नीचे मस्जिद में जो है बेहतरीन तरीके से बड़ी कत्तल का जो है दिन मनाया गया। बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी रात भर जो है मिरणुक हुई, रात को जो है मिरणुक चालू हुई थी और पहट में जो है मिरणुक का जो है समारोपण हुआ। और इंशाल्लाह आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बहुत ही किस प्रकार से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जो है गांव के जामा मस्जिद में जो है पूरा मुहर्रम का जो है बड़ी कत्तल का दिन जो है मनाया गया। बहुत ही शानदार तरीके से इस भी जो है दिन में जो है रात को जो है पूरा जागरण किया गया था। बहुत ही शानदार तरीके से जो है डोली पेरा के भी जो है मिरणुक निकाली गई, सवारियों की जो है बेहतरीन तरीके से मिरणुक निकाली गई। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है जामा मस्जिद में भी जो है ये पूरा उत्सव मनाया गया। तो फिर चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या क्या होता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस शानदार जानदार बेहतरीन एपिसोड को। चलो भाई लोग, फाइनली वो वक्त आया। बहुत ही शानदार तरीके से जो है बड़ी कत्तल का पूरा कार्यक्रम चल रहा गाँव में। बहुत ही ज्यादा उत्साह दिख रहा बच्चंदा के बीच में। बहुत जोर जोर से जो है हल्कियों का यहाँ पर जो है आवाज आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है भाई। इतनी बारिश में भी जो है यहाँ पर पूरी जबरदस्त तरीके से तैयारी चालू है। अभी जो है 11 वगैरह नहीं चालू करे ले। बड़ी कत्तल के दिन जो है ना लोग मोड़ा वगैरह लाख सटते, मतलब ऐसा मन्नत वगैरह मंगे सड़ते ना, तो आगे के लिए जो है मोड़े वगैरह लाख सटते यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी तैयारी चल रही नन्ही कत्तल की, ये बड़ी कत्तल की सॉरी। आज बहुत ज़्यादा गर्दी रहती मस्जिद में। बहुत सारे लोग जो है फूल ला के देते, कुछ लोग तेल ला के देते, कुछ लोग जो है क्या बोलते तबरुक ला को देते, क्या बोलते उसको घोड़े वगैरह, फिर उसके साथ साथ चोंगे, चावल, चपातियाँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो है लोग ला को देते, जिसे जैसा मान है उन्होंने मलिदा वगैरह भी ला को देते। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी तैयारी चली ली है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पंजों को सजाने का काम चले लाए, फूला वगैरह, नवीन कपड़े वगैरह। बहुत ही ज़बरदस्त जो है पूरा आज का ये कार्यक्रम होने वाला है। तो चलो देखेंगे बोलते और क्या क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन होने वाला आज का दिन भाई। पूरा फूलाशी वगैरह सजा ले माशाल्लाह, बहुत ही सही है, बहुत ज़्यादा सही है। सोलापुर शहर के सभी खवैयों के लिए एक खुशखबर है। अभी आपको बेहतरीन मछली खाने इंदापुर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलापुर शहर के
शेख ब्रदर्स ने आप सभी की सेवा में सोलापुर शहर का पहला इंदापुरी स्पेशल फिश फ्राई होटल शुरू किया है, जिसका पता है प्लॉट नंबर 7 सगम नगर मुड़ेगांव रोड एलपीजी गैस पंप के पास सोलापुर। यहां आपके बैठने के लिए एस्पेस जगह मौजूद है, जहां आपके लिए टेबल कुर्सी, भारतीय बैठक और शाही बैठक का जो है इंतजाम किया गया है। यहां आपको फिश की बेहतरीन वैरायटी जैसे स्पेशल अखा फिश, फिश मंदी, स्पेशल खदरा मसाला, खदरा फिश थाली, मच्छी स्पेशल थाली, मच्छी फ्राई, मच्छी थाली, मच्छी मसाला, ग्रीन मच्छी मसाला, उसके साथ साथ चिलापी थाली, मरल थाली और स्पेशल चिलापी थाली मिलेगी। यहाँ आपको फिश के साथ साथ चिकन और मटन के स्पेशल डिशेस और थाली खाने मिलेगी। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी आइए और यहाँ के बेहतरीन पकवानों का लुत्फ उठाइए हमारे दिए गए पते पर, या हमें कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9834199599 और उसके साथ साथ 7798142016 पर। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अभी भरा रहे ले। पंजे जो है अभी भी नहीं दे रहे उनको सवारी को। शानदार तरीके से जो उत्साह दिख रहा है गांव के लोगों में। सवारी सुनने से तैयार नहीं इसका। देखेंगे अभी क्या सवारी उठेगी क्या नहीं। We'll be right back.
फाइनली रात के अभी 1:30 बजे ले अब भी सवारी बाहर निकल रही। शानदार तरीके से चल रहा भाई तबीयत। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी सवारियां चल रही माशाल्लाह। हवाले का जो है ना मान अलग रहता है, इसमें जो है वो प्योर होने के वास्ते अंदर उड़ी मारती बोलते हैं। वही तो सही है भाई एकदम। बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है ये।
अभी चलो, अभी चलो, हल्की मारो, हल्की मारो, चलो, हल्की मारो, बहुत ज्यादा खतरनाक करे नु, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, गाड़े गाड़े छोड़ो सब, बहुत खतरनाक हो, कोई दस्य उन्होंने पकड़े रस्ते तो, कोई नहीं बैठे, कोई दस्य पकड़े रस्ते तो, बहुत कुछ जलाल में आते उन्होंने एकदम, बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा जलाल में आते हो, गुस्से में आते हो, पीरा, पूरा सोलापुर शहर के सभी खवैयों के लिए एक खुशखबर है। अभी आपको बेहतरीन मछली खाने इंदापुर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलापुर शहर के शेख ब्रदर्स ने आप सभी की सेवा में सोलापुर शहर का पहला इंदापुरी स्पेशल फिश फ्राई होटल शुरू किया है, जिसका पता है प्लॉट नंबर 7 सगम नगर मुड़ेगांव रोड LPG गैस पंप के पास सोलापुर। यहाँ आपके बैठने के लिए एस्पेस जगह मौजूद है, जहाँ आपके लिए टेबल कुर्सी, भारतीय बैठक और शाही बैठक का जो है इंतजाम किया गया है। यहाँ आपको फिश की बेहतरीन वैरायटी जैसे स्पेशल अखा फिश, फिश मंदी, स्पेशल खदरा मसाला, खदरा फिश थाली, मच्छी स्पेशल थाली, मच्छी फ्राई, मच्छी थाली, मच्छी मसाला, ग्रीन मच्छी मसाला, उसके साथ साथ चिलापी थाली, मरल थाली और स्पेशल चिलापी थाली मिलेगी। यहाँ आपको फिश के साथ साथ चिकन और मटन के स्पेशल डिशेस और थाली खाने मिलेगी। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जल्दी आइए और यहाँ के बेहतरीन पकवानों का लुत्फ उठाइए हमारे दिए गए पते पर, या हमें कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9834199599 और उसके साथ साथ 7798142016 पर। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। चलो भाई लोग, फाइनली खत्म तो हुआ, माशाल्लाह। बहुत ही शानदार तरीके से जो गांव के पटेल कोटा जगह से जा रहे हो, यानी हमें नहीं, दूसरे जो पटेल है हमारे गांव के, हमारे सभी जो पुराने पटेल आए उनको यहाँ पर उठाने जा रहे, यानी हमारे गांव के देशभक्त जो है उनको। We'll be right back.
अपना बाड़ा यहाँ पर ऊपर था पुराने पटेल का, वही जो हमारे गांव के सबसे पहले पटेला थे, ऊंचे पर रहते थे बहुत। यहाँ पर सब ब्राह्मण पंडित पाटिल देशमुख देशपांडे के जो है घर है हमारे गांव के, गांव के सबसे ऊंचे घर है इनके थे, टेकड़ी पर उनके सबसे ऊंची जगह है। चिंचोड़े गांव के देशमुख पाटिल को जो है मान है, डोली पेरांगे अस्तर शरबत लाते बोलते हैं उन्होंने मंदिर के पास, गांव के ग्राम देव श्री जगतगुरु रेणुकेश्वर महाराज जी के मंदिर के पास। मैं भी पहली बार जो रिचुअल का पार्ट बने से वही तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है अभी फजर के अजान के पहले जो है डोली पेरा लाते थे, लेकिन ये बारी जो है फजर के नमाज अजान भी लिए थोड़ा देर भी लिए पूरे रिचुअल को, तो अभी थोड़ी देर में जो है डोली पेरा को जो है यहाँ से उठा के जो है वहाँ तक ले जाया जाएगा, वहाँ पर जो है फातिहा वगैरह पढ़ेंगे, फिर और जो है वहाँ से वापस यहाँ पर मस्जिद में लाया जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से सब चल रहा भाई, तो देखेंगे बोलते हो आगे क्या क्या होता। साफ सफाई का तो काम चल रहा बेहतरीन तरीके से, अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ से डोली पेरा को जो है ले जाया जाएगा। चलो भाई लोग बहुत ही शानदार तरीके से जो है अभी डोली पेरा की जो है मेरोड़ निकालते, मतलब डोली पेरा जो है कोशे में रहते हो रात कुछ, मतलब पेड़ में निकलते हो, पहले जमाने में अंधेरा रहता था ना, तो इसी तब उसी लिए जो है पेड़ में निकालते थे बेहतरीन तरीके से, इसी मुख्य उद्देश्य जो है अभी पेड़ में जो है डोली पेरा की सवारी निकाले से गौ मछे डोली पेरा के मेरोड़ रहते हैं बेहतरीन तरीके से। जाते हुए मेरा लोग जाते हुए, और ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसमें जो है गांव के पाटिल जो है जो पुराने पाटिल है हमारे से भी उनके पास जो है मान है, उनके तक जो है ये पूरे सवारे लेके जाते हैं, वहाँ पर जो है उन्होंने शरबत वगैरह लाते सवारी के लिए, मतलब डोली पेरा का अस्त बहुत शानदार तरीके से होता है। गाँव के सोनार गाँव के पाटिल यहाँ पर आते बहुत ही शानदार तरीके से, मेरे पहुंच चुके हैं अभी गांव के मंदिर के पास। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा चल रहा है। गांव के पहले पाटिल जो हैं अभी भी पाटिल कहते हैं उनको, गांव के सबसे पुराने पाटिल इन्हों, नहीं तो उनके बाद बहुत सारे लोगों के पास जो है वो पदवी गई। पीछे जो है शहादत के गाने ये गा रहे उन्होंने, क्या बोलते कव्वाली टाइप रहता, नहीं तो
बहुत ही शानदार तरीके से हुआ सब कुछ। चलो सीधा मस्जिद को जाएंगे, बोलते फजर की नमाज का भी वक्त वेला है कि नहीं, नमाज भी पढ़ना महत्व का है, 5:40 को जमाते हैं। बेहतरीन तरीके से जो है पूरी परंपरा ही, ये बहुत ही पुरानी परंपरा ही है गांव की। इन्हों भी हमारे गांव के पाटिल थे, जत्ती पाटिल, इनको भी मान है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आए लेनो, बहुत ही सही है यार ये माशाल्लाह। सभी समाज मिलजुल के करते थे ना पहले ज़माने में, वही तो, और अभी भी जो है ये सभी ये परंपरा जो है पालते बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाँव के लोग, वही तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली पालते लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली पालते, बहुत ही सही चल रहा माशाल्लाह है। पहले ज़माने के लोग में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था रे, सभी लोग सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते थे, मिलजुल के सभी ईदों को जो है मनाते थे, है कि नहीं। अभी जो है लोगों के बीच में झगड़े चालू है, अभी जो है लोगों के बीच में जो है धर्म जात को लेकर जो है पूरे लपड़े चालू हुए रहे हैं, नहीं तो पहला जो है सभी समाज के लोग मिलजुल के रहते थे हैं। अभी भी जो है खेड़े गांव में जो है सभी धर्म के सभी समाज के सभी पंथ के लोग जो है मिलजुल कुछ रहते, वही तो बहुत ही सही चल रहा है यार माशाल्लाह। मुहर्रम जो है सबसे बेहतरीन ईद है यार मेरे हिसाब से तो, जिसमें जो है सभी समाज के लोग एक जगह पर आते हैं कि नहीं, बेहतरीन तरीके से मनाते, वही तो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ ये सब कुछ। बहुत ही सही तरीके से चल रहा है ये माशाल्लाह। नमस्कार पाटिल, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दादा, हमारा भी बासन आया ना, अभी उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं हो रहा फिर भी माशाल्लाह, बहुत सही तरीके से चले आए रे। मैं सभी समाज के लोग मिलजुल कर मनाते बोल के सभी इधर पूरे होते रे, खेड़े गांव में हुए तो इतना सक्सेसफुली होते, जिस प्रकार से मुहर्रम मने उसी प्रकार से जो है बेहतरीन तरीके से जो है हम इंशाल्लाह ये भी मनाने की कोशिश करेंगे, बोलते क्या दशहरा दिवाली गणपति है क्या, बहुत ही सही तरीके से जो है पूरा बड़ी खतर का जो है कार्यक्रम अपने अंत की ओर बढ़ते हुए, समारोह की ओर बढ़ते हुए, और आज जो है बेहतरीन तरीके से शहादत का दिन है, आज
काम तो जो है इससे भी बड़ी मेरोक्रत दिखाई। फजर के अजान से पहले निकलते और फजर की नमाज से पहला मस्जिद में वापस जाते, लेकिन आज जो है थोड़ा देर हुआ। कल रात को जो है पूरे मेरोनुक को जो है 3:30 बजे हमने 3-3:30 बजे मेरोनुक के बाद, तो इसीलिए जो है अभी सुबह में जो है लेट हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पूरी मेरोनुक सक्सेसफुल हुई, पार पड़ी है कि नहीं। मस्जिद में जाता है और अभी जो है यहाँ ये जो बड़ी डोली है ये मस्जिद में आती है, जामा मस्जिद में। तो चलो अभी नमाज का भी वक्त हुआ, अपन अभी नमाज को जाएंगे बोलते। बहुत ही स्लोली स्लोली चलते आना पड़ता उसके अस्तर पर। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी मेरोनुक जो है समाप्त हो चुके हैं और डोली पिराज भाई मस्जिद पहुंच चुके हैं। तो चलो अभी फजर की नमाज पढ़ेंगे बोलते। सोलापुर शहर के सभी खवैयों के लिए एक खुशखबर है, अभी आपको बेहतरीन मछली खाने इंदापुर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोलापुर शहर के शेख ब्रदर्स ने आप सभी की सेवा में सोलापुर शहर का पहला इंदापुरी स्पेशल फिश फ्राई होटल शुरू किया है, जिसका पता है प्लॉट नंबर 7 सगम नगर मुड़ेगांव रोड LPG गैस पंप के पास सोलापुर। यहां आपके बैठने के लिए 21 जगह मौजूद है, जहां आपके लिए टेबल कुर्सी भारतीय बैठक और शाही बैठक का जो है इंतजाम किया गया है। यहां आपको फिश की बेहतरीन वैरायटी जैसे स्पेशल अक्खा फिश, फिश मंदी, स्पेशल खदरा मसाला, खदरा फिश थाली, मच्छी स्पेशल थाली, मच्छी फ्राई, मच्छी थाली, मच्छी मसाला, ग्रीन मच्छी मसाला, उसके साथ साथ चिलापी थाली, मरल थाली और स्पेशल चिलापी थाली मिलेगी। यहाँ आपको फिश के साथ साथ चिकन और मटन के स्पेशल डिशेस और थाली खाने मिलेगी। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जल्दी आइए और यहाँ के बेहतरीन पकवानों का लुत्फ उठाइए हमारे दिए गए पते पर, या हमें कॉल करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9834199599 और उसके साथ साथ 7798142016 पर। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। चलो भाई लोग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार, जानदार, बेहतरीन, ज़ोरदार, ज़बरदस्त तरीके से जो है पूरे बड़े खत्तल का जो है कार्यक्रम समाप्त हुआ है। रात को जो है कल 8:30-9 बजे चालू है, सो आज पहट को जो है फजर के नमाज के साथ जो है 5:40 को जो है ये पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से जो है दोनों मस्जिदों में जो है बड़ी खत्तल का कार्यक्रम ज़बरदस्त हुआ। नीचे मस्जिद में भी जो है हुआ और उसके साथ साथ जामा मस्जिद में भी हुआ। नीचे मस्जिद का जो है आप इससे पहला देखें और उसके साथ साथ अभी जो है आप ऊपर की मस्जिद यानी जामा मस्जिद का देखें, तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ। अगर आपको ये पूरा कार्यक्रम पसंद आया, पूरे
क्या बोलते पूरा हमारे गांव का फेस्टिवल पसंद आया है, तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। और उसके साथ साथ जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। और जल्दी जो है यानी आज ही के दिन जो है शहादत का दिन है, गम का दिन है, तो आज के दिन जो है बेहतरीन तरीके से पूरे मुहर्रम की ईद का जो है अंत रहता, आज के दिन जो है बेहतरीन तरीके से बड़ी मेरौनक निकालते, तो बहुत ही शानदार तरीके से उस भी मेरौनक में अपन शामिल होने वाले। तो फिर चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।